हेलो एच ई टी पी स्टूडेंट आई एम हर्षिता योर मैथ्स टीचर टूडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर सेवन ज्योमेट्री स्टूडेंट्स हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ा था आज हम जैसे पॉइंट लाइन सेगमेंट एंड रे के बारे में पढ़ेंगे जैसे पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स पॉइंट हमें डिटरमाइन करता है लोकेशन के बारे में जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी एंड पॉइंट डी एंड लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स एरो हेड्स होते हैं स्टूडेंट के दोनों साइड जो भी हमें बताते हैं ये एक्सटेंडेड है दो से इसका कोई भी स्टूडेंट एंड पॉइंट नहीं हो सकता सो वी कांट मेजर इट तो हम इसको क्या है मेजर नहीं कर सकते जैसे पी क्यू इनके दोनों साइड क्या है एरो है इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है और जैसे हम इसको राइट कैसे करेंगे जैसे पी क्यू है इसके हम इस तरह से एरो बनाएंगे बोथ साइड्स का इस डोनेशन इसका इस तरह से है हमें डिनोट करना है और ये इसका रिटर्न एल एल भी लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं दो टाइप की होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है कर्व लाइन होती है जैसे ये लाइन है स्टूडेंट्स ये हमारी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है हॉरीजेंटल लाइन है वर्टिकल लाइन है ये हॉरीजेंटल ये वर्टिकल ये स्लैंटिंग लाइन जो इधर उधर जा रही है दोनों साइड लाइंस का तो हमें ऐसे पता लगे दोनों साइड क्या है इनके एरो लगे हुए हैं इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है और ये हॉरिजेंटल है ये वर्टिकल और कर्व लाइन कैसी होती है स्टूडेंट्स ये इस टाइप में जो होती है जिसका कोई भी ये स्ट्रेट नहीं होती इस तरह से जो होती है वो हमारी कर्व लाइन होती है अब लाइन सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स ये लाइन का ही एक पार्ट होता है इसका क्या होता है इसका बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट हैज अ बिगिनिंग एंड 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 जैसे पी एंड क्यू इसके टू एंड्स हैं पी एंड क्या हु? और इसको कैसे रिटर्न किया जाएगा स्टूडेंट्स पी क्यू सिर्फ लाइन लगेगी ऊपर इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं जैसे पी क्या हूं। रे क्या होती है स्टूडेंट्स लुक एट दिस इज रे इसको क्या होते हैं ये क्या होते है? होती है बिगन होती है वन पॉइंट से एंड गोज इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हो मतलब एक साइड की तरफ वो जाती रहती है इनफाइनाइटली उसको हम क्या कहते हैं रे और इसको डिनोट कैसे करेंगे जैसे ए एंड बी है अब वो इस साइड जा रही है रे तो हम इसको इस तरह से एरो लगा के डिनोट करेंगे लुक एट अब हम पढ़ते हैं पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है स्टूडेंट पैरेलल लाइन क्या होती है दो या दो से ज्यादा लाइन हो सकती है और इनके हम जो डिस्टेंस होता है ना उनका हमेशा सेम होता है और ये क्या होती है कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती जैसे हम देखते हैं अभी लुक एट हेयर पैलर लाइन्स है ये कभी मीट नहीं करेगी आपस में मिलेगी नहीं उनका डिस्टेंस क्या होगा सेम हो इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है ये एक दूसरे को कट करती है एक पॉइंट पे आके इस यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट बनाया इसको हम क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन इफ टू लाइन्स हैव अ कॉमन पॉइंट दो लाइनों का कॉमन पॉइंट होता है देन द लाइन्स आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसे यहाँ पे ये लास्ट में आके मिलती हैं और पहले लाइन मिलती नहीं है इनके सेम डिस्टेंस होते हैं ये इनफाइनेटली जाती हैं अब सेवन पॉइंट वन देखते हैं स्टूडेंट्स नेम द फॉलोइंग जोमेट्रिकल शेप्स सो ए पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है ये एस बना हुआ है ये पॉइंट है तो ये इसको क्या कहते हैं हम हमें इन शेप पढ़ी थी ये है हमारा पॉइंट अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे क्या है इनका लाइन सेगमेंट है ये पॉइंट से यहां पॉइंट तक ये फिक्स है तो इसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट अब ये देखिए स्टूडेंट्स एक साइड से स्टार्ट हुई वन एंड से और ये इनफाइनाइट गई अभी हमने पढ़ा था उसको रे कहते हैं एंड ये देखिए स्टूडेंट दोनों साइड एरो है इस इस साइड भी है इस साइड भी है इनफाइनाइट इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता तो वो क्या है हमारी लाइन है एंड नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है इसमें हमें बताना है स्ट्रेट लाइन कौन सी है कर्व लाइन कौन सी है हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल एंड स्लेंटिंग लाइन के बारे में बताना ये हमारी कर्व लाइन है ये हमारी कौन सी है वर्टिकल है ये वर्टिकल है और ऐसी होती है वो कौन सी होती है हैरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होती है ये स्लेंटिंग स्ट्रेट लाइन है ये है। इसमें क्या बताना है में, figure, इसमें हमारी नाइन पॉइंट्स लिखने जे ओ के ई आर एम एन पी एंड एल ये हमारे नाइन पॉइंट्स हैं एंड बतानी है, बता है। स्टूडेंट लाइन का कैसे होगा हमें पता है लाइन कहते हैं दोनों तरफ इनफाइनाइटी होती है उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता तो वो इनमें कौन सी है वो जे और आर है ये इस साइड एरो से भी जा रही है और इस साइड एरो से भी जा रही है तो जे आर हमारी क्या है यहां पे लाइन है फिर उसके बाद हमें सिक्स रेज बतानी है सिक्स रेज क्या होती है स्टूडेंट एक साइड से जाती है और एक पॉइंट स्टार्ट होता है फिर वो क्या है इनफाइनाइटी जाती है एक साइड से जैसे ओ जे है ओ यहां से स्टार्ट हुई जे तक गई ठीक है फिर एम पी एम से स्टार्ट हुई पी तक इनफाइनाइटी गई इससे बाकी के पॉइंट्स देखने हैं फोर लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट जैसे ओ के है हमारा ये एक लाइन सेगमेंट है फिर देखिए के ई है हमारा के ई है फिर ई फिर ओ ई है हमारा ओ ई है इसी तरह के एम है के से एम है जो तो दो पॉइंट फिक्स होते हैं वो हमारे लाइन सेगमेंट होते हैं नेक्स्ट देखिए फोर में काउंट द लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग शेप्स ऑल्सोम इसमें सेवन स्टूडेंट्स हमारे पास सेगमेंट बनेंगे जैसे एस टी वी V, w S V V U U W यह इस तरह से हमारे लाइन सेगमेंट है फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है मेजर करना है इनको जैसे एबी की कितनी लेंथ है बी सी से रूरल इसका आपको ने रूलर का यूज करना है उसके मेजर करके यहाँ पे लिखनी है ये कितना कितना मेजरमेंट है इसका सिक्स पार्ट नहीं करना सेवन में हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है डैश लाइन नेवर इंटरसेक्ट पहले लाइन हमें पढ़ा था कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती वो सीधी जाती इनका जो सेम डिस्टेंस होता है इस तरह बी सी डी ई पार्ट करना है स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट एंगल्स एंगल्स का हमें डिफाइन करना है कि एंगल्स क्या होते हैं इसको स्टूडेंट्स हम ना इस फॉर्म में शो करते हैं सिंबल इसका ऐसा होता है देखना इस तरह से हम शो करते हैं अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये ए ओ बी है ये हमारा क्या है एंगल है ठीक है और इसको हम आम कहते हैं जो आ रही है ना लाइंस इनको हम क्या कहते हैं आम कहते हैं और जब ये दो लाइन्स यहाँ पे आके मिलती है ना इसको हम क्या बोलते हैं जब ये दो रेज आके मिलेगी उसको जिस पॉइंट पे मिलती है उसको वर्टेक्स कहते हैं और ये बीच वाला क्या बनता है हमारा एंगल बनता है और इसको डिनोट कैसे करते हैं अभी मैंने बताया आपको इस जैसे हम डिनोट करते हैं और स्टूडेंट्स ये क्या जैसे ए ओ बी है जो जहां पे एंगल बनता है ना वो बीच में रहता है हमेशा जैसे ए पहले आएगा फिर ओ आएगा फिर बी आएगा या फिर बी ओ ए करेंगे और जो जहां एंगल बनेगा वो हमेशा बीच में रहेगा जैसे ए ओ बी बी ओ ठीक है अब आपको बताना है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट से एट हेयर ये जो इस एंगल के बीच में आते हैं हमारे वो उसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं और जो बाहर रह जाते हैं वो हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं जैसे आई जे के इसके बीच बीच में आ रहे हैं ये हमारे इंटीरियर एंगल है जो शेडेड रीजन के अंदर आ रही है जैसे टी ओ पी में आ रहे हैं वो हमारे इंटीरियर इसके बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल होते हैं सो फर्स्ट में आपको बताना है रिप्रेजेंट एंगल कौन सा रिप्रेजेंट करता है हमारा जैसे एल एम एन है ये हमारा है। एंगल रिप्रेजेंट करता है ये बीच में बनता है यहाँ पे यहाँ पे देखो तो ये तो, तो पैल लाइन्स जा रही है यहाँ पे तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं यहाँ पे भी नहीं बनेगा और यहाँ पे तो बनेगा ठीक है इसी सेकंड में आपने बताना है थ्री अल्फाबेट्स है जैसे इसको कैसे डिनोट करेंगे अभी मैंने बताया था जो जहाँ एंगल बनेगा वो हमेशा बीच में होगा तो इसको डिनोट तो इस तरह से करेंगे फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू क्योंकि टी पे एंगल बन रहा है तो ये बीच में रहेगा फिर जी एच आई इसी टाइम नेम द फॉलोविंग एंगल यूजिंग सिंगल अल्फाबेट अब देखिए स्टूडेंट जो हमारा बीच में एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा पी पे बनेगा यहाँ पे एस पे बनेगा ओ पे बनेगा ये ओ पे बनेगा यहाँ पे बीच वाले पे बनेगा तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे पी पे बनेगा तो पी एस पे बनेगा तो ऐसे ही डिनोट करना है इस तरह से हमें इसी तरह बाकी के होंगे फोर्थ में देखिए हमें क्या है फॉलोविंग एंगल यहाँ पे कौन कौन सा बना हुआ एंगल पी बना हुआ है एंगल वन बना हुआ है एंगल टू एंगल जी एंगल एल इसमें क्या बताना है आपको इन द इंटीरियर ऑफ पीईटी पीईटी टी के अंदर बताना है पीईटी में इंटीरियर एंगल कौन से के वीईटी जो इसके अंदर अंदर आएंगे एंगल के अंदर वो हमारे इंटीरियर जो बाहर रह जाएंगे वो एक्सटीरियर होंगे एक्सटीरियर कौन कौन से होंगे एम पी एन और एल हमारे क्या होंगे एक्सटीरियर जो इस एंगल से बाहर होंगे और ये एम पी एन एल ऑन द पीई टी इस पे कौन कौन से पी है पीई टी पे देखना है अभी हमें पी है H है ई है आर है एंड T है सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू सेवन पॉइंट वन एंड सेवन पॉइंट टू थैंक यू